सो गाइस सबसे पहले मैं आप सबको बोल दूं मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस मेरे तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। बहुत जल्दी बोल रहा हूँ आई नो, बट आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो हैप्पी न्यू ईयर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष पोल, आ चुका हूँ एक मैं नए वीडियो के साथ। तो आज मैं आया हुआ हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस में। यहाँ पे आने का यार सबको एक मतलब आने का नहीं बता सकता, बट यहाँ पे सबको एक बार आना चाहिए ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। मैं हूँ अभी नोएडा सेक्टर 38 में, और अगर मैं यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बताऊँ तो वो है सेक्टर 18, नोएडा सेक्टर 18। यस, तो आज मैं जो जहाँ आया हूँ वो प्लेस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही सुपर प्लेस है, सुपर कूल प्लेस है, बेस्ट प्लेस है फॉर डिनर। और लोकेशन ये रहा। सो ये है हमारा लोकेशन, रेस्टोरेंट का नाम है अपने क्या लिखा है, एरो रेस्ट्रो। ओके, तो एरो रेस्ट्रो है ये, आप जो पूरा देख रहे हो प्लेन के अंदर बना रखा है पूरा रेस्टोरेंट, बहुत ही सुपर्ब है। यहाँ पे मैं पहले एक बार आ चुका हूँ, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, ये सेकंड टाइम मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे अच्छे से आपको व्लॉग बना के पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँ। बहुत ही ऑसम रेस्टोरेंट है ये पूरे, मतलब ये जो पूरा एरिया है इधर कुछ ना कुछ नया है, बहुत सारे कुछ है यहाँ पे, हैंगिंग, बहुत सारी नई नई चीज़ें, मतलब नोएडा का सबसे बेस्ट प्लेस है अगर आप अपने पार्टनर के साथ डेट पे आ रहे हो या फैमिली के साथ आ रहे हो, बहुत सारे फन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मैं अंदर से आपको पूरा दिखाने वाला हूँ, वीडियो बहुत मज़ेदार है तो लास्ट तक ज़रूर देखना। आप चलते हैं डायरेक्ट अंदर। तो है ये है आपका एरो रेस्टोरेंट एंटरटेनमेंट, यहाँ से आपकी एंट्री है, ये है आपका, यहाँ से आपको अपना बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, तो काफ़ी अच्छा है। अभी एंट्री करके बताते हैं आपको, पूरा एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ मैं अच्छे से। यहाँ से अब हम लेंगे एंट्री। ये बहुत ही बढ़िया बना रखा है एज अ बर्थडे पार्टी, अगर आप सेलिब्रेट करना चाहो तो कितना बढ़िया लग रहा है देखो। बेसिकली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए है, और ये है हमारा मेन गेट जहाँ से हम एंट्री लेंगे प्लेन के अंदर। तो अब चलते हैं जल्दी से अंदर। तो ये है हमारी एंट्री, यहाँ से हम लेंगे एंट्री। देख रहे हो कितना ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, रेस्टोरेंट थोड़ी है यार, ये जन्नत है। हेलो मैम। ओके, सो एंट्री हमारी यहाँ से है, ये है हमारा मेन पूरा रेस्टोरेंट, पूरा आपको प्लेन वाला फील देगा ये, लाइटिंग तो डीजे वाली है बट काफ़ी अच्छा है। सो मैम, हेलो मैम, हाउ आर यू, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ। सो मैम, आप कुछ बता सकते हो कि कैसा रेस्टोरेंट है, कब? 29 अक्टूबर को ओपन हुआ था। ओके, ये फैमिली रेस्टोरेंट, और अगर आप अपने कपल के साथ आ रहे हो, कपल्स के साथ आ रहे हो तो उनके लिए भी एंट्री है। ओके, कपल्स का कुछ ऐसा है कि उनका कुछ, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसे होते हैं कि कपल ऑफर्स होते हैं, ऐसा कुछ? अभी तो कुछ नहीं है,
स्टार्टअप है, ओके ओके, बीच में अगर कुछ ऐसा हुआ तो शायद हो सकता होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू। सो दिस इज अवर रेस्ट्रो, आपको डायरेक्ट में एक बहुत ही सीक्रेट जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पे मैं पहली बार जाने वाला हूँ। चलो तो आज मैं हाईजैक करने वाला हूँ प्लेन पे, है ना? यार मुझे चलाना तो आ नहीं रहा, बट पीछे दिखाओ यार, आई गेस वो जिंदा बच जाए तो ठीक है, वरना तो भगवान करे बच जाए, कोई बात नहीं। तो पता नहीं चल रहा है, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। हेलो हेलो, नहीं कोई चीज। सो अगर मैं इस रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताऊं तो बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही, मतलब देखो, मैं पहली बार प्लेन में चढ़ा हूँ, मेरे को प्लेन में चढ़ने का बहुत ज्यादा मन था और आज मेरा वो सपना आप कह सकते हो कि पूरा हो गया, आधा ही सही बट हुआ पूरा। तो बहुत अच्छे तरीके का सेटअप है, पूरा एकदम प्लेन लगेगा आपको, यहाँ का फूड, यहाँ का लोकेशन, यहाँ की प्रिपरेशन, ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम अपना आज इंजॉय करने वाले हैं ये लोकेशन। तो अब मैं आपको बाहर का एक सीन दिखा देता हूँ। प्लेन अपनी आ रही है, अब हमें कोई सा भी सीट देखना है और बैठना है, वैसे ही इमरजेंसी एग्जिट है जो कि मैं किसी को भागने नहीं दूंगा। तो प्लेन तो फिलहाल खाली है, अब हम करने वाले अपना खाना ऑर्डर, उसके बाद टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा कैसा सब कुछ होने वाला है, देन आगे मिलते हैं। हमारा रेस्टोरेंट का मेन मेन्यू चेक करते हैं कि क्या क्या है। सो ये प्राइस तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जितने भी आपके सूप्स वगैरह या सलाद, जो भी मेन कोर्स वगैरह जो भी आपको दिखा रहा हूँ, आई गेस इसके प्राइस के ड्रॉप्स होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। जहाँ तक मैंने इनसे पूछा था तो इनने मना ही करा था, बट लास्ट टाइम जब मैं आया था, आई गेस मैंने कोई सूप लिया था उसका प्राइस अलग था एंड पाँच अलग है। सो आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप यहाँ के नॉनवेज ट्राई कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आप यहाँ पे नॉनवेज ट्राई कर रहे हो, क्योंकि यहाँ का नॉनवेज यार लिटरली काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये हम वेज वाले में आ गए हैं, नहीं नॉनवेज भी है इसमें। तो इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय योर फूड, तो आप यार मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा आप नॉनवेज मंगवाओ, क्योंकि नॉनवेज यहाँ का काफ़ी बेस्ट होता है एज़ पर लोकेशन। मैंने तो विंडो सीट ली है अपनी हर बार की तरह। सो गाइस हमारे स्टार्टर आ चुका है, हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं, बाकी हमारा मेन कोर्स अभी आया नहीं है, फिलहाल ये टेस्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसा है और स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गोइंग टू ट्राई माय पिज़्ज़ा, तो टेस्ट करके बताता हूँ आपको। परफेक्ट, डोमिनोज में कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। ऑलमोस्ट सेम है नॉर्मल पिज्जा, कोई नहीं। अब मेन कोर्स हम ट्राई करते हैं यहाँ का। फाइनली हमारा मेन कोर्स आ चुका है, हमने मंगाया है चिकन, बटर चिकन विद नान। सो टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। ओके नॉनवेज बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट लोकेशन, बेस्ट वे टू सर्व। ओवरऑल मेरे को सब कुछ अच्छा लगा यहाँ का, जिस तरीके से ये सर्व कर रहे हैं बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि हम, मेरे को ऐसे ही लग रहा है कि अभी मैं प्लेन के अंदर बैठा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं और फील हो रहा है कि यार इकोनॉमिक्स में नहीं बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और खाने के रही बात खाने की मेन चीज किस वजह से हम आए हैं, सुपर है, कोई शिकायत नहीं है, पूरा A1 है। बट हाँ, अगर आ रहे हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ का नॉनवेज ज़रूर ट्राई करूँ, क्योंकि यहाँ का नॉनवेज ही बेस्ट है। सो गाइस, हो चुका है हमारा डिनर, काफ़ी अच्छा रहा, पीछे आप देख रहे होंगे तो सब कुछ काफ़ी अच्छे से था, गाना बहुत तेज बज रहा है तो आई गेस मेरी वॉइस आ रही होगी आपको कि नहीं पता नहीं, बट बहुत अच्छा था सब कुछ, डिनर वगैरह सब कुछ अच्छा गया।